वेलकम टू डीएम वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले बीपी के हाई होने की समस्या का समाधान। दोस्तों, यदि आप तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं और बीपी आपका कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपको दवा खानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये नुस्खा जो बताने वाले हैं दोस्तों, ये आपकी दिल की समस्याएँ या फिर दोस्तों आपके हाई बीपी का कारण जो भी हो उससे आपको छुटकारा दिला देगा और साथ के साथ आपको फिर कभी बीपी हाई नहीं हुआ करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको इसका रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों कुछ दिन इस्तेमाल करने से ही आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। तो इसमें आपको जब भी आपका बीपी हाई हो, आप किसी टेबलेट्स का उपयोग ना करें। सिर्फ आपको इतना करना है जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, हम आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो से नीचे वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और पास में एक घंटी वाला बटन दिखाई देगा, उसे भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक प्योर शहद लेना है। प्योर शहद आपके यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, ये आपका जो नुस्खा है, ये आपका हाई और लो बीपी दोनों में काम करता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है और साथ के साथ आपकी हर समस्याएं जो यानी कि दिल से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनमें भी पूरा कारगर है। आपको करना ये है कि आपको लगभग 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में इसमें नींबू का रस निकाल लेना है। लगभग 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में, वैसे आप आधा नींबू निचोड़ सकते हैं अगर नींबू में रस पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको लगभग इतना रस निकाल लें या फिर आप 1.5 चम्मच ले लें, जैसे आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। लेकिन इसमें लगभग 1.5 चम्मच तक ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। तो इसमें शहद भी आपको लगभग इतनी ही मात्रा में डालना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं शहद को भी इसमें इतनी ही मात्रा में हम डाल देते हैं। इसमें थोड़ा नींबू का रस दोस्तों कम है तो आप इसमें थोड़ा नींबू और निचोड़ लें। तो उसके बाद दोस्तों, आपको इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी जो डाइट है किस समय लेनी है दोस्तों, सुबह निहार मुँह आपको लेना है और शाम सोते समय ये आपको रस ले लेना है चम्मच के इस्तेमाल से, जिससे आपके हाई बीपी की कैसी भी समस्या हो, गंभीर से गंभीर या फिर आपके दिल से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या के कारण आपका बीपी हाई होता है तो इसमें अदरक का रस और मिला लें। आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सही हो जाती हैं और आपका बीपी फिर कभी भी हाई नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।